हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सरे डेमो का नॉर्मली कैसे ये करते हैं, एडिट करते हैं। इसकी वजह से भी मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा कि कौन कौन सा क्या है, कैसा है। फिलहाल डेमो में आपको दिखाता हूँ कि ये नॉर्मल एडिट कैसा रहता है और क्या करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जब कंप्यूटर चालू करोगे तो आपको इस स्क्रीन पर लाके छोड़ेगा, ओके। इमेज पायलट के स्क्रीन पे हर किसी का वर्जन, इधर देखिए ये वर्जन से, ओके ये वर्जन है। हर किसी का अलग अलग वर्जन रहेगा, इससे नीचे वाले वर्जन्स के अलग है। और इसमें भी मैं आपको दो टाइप्स के वर्जन से, तो जो नॉर्मली एडवांस मोड है वो आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले नॉर्मल मोड वाले के लिए ये चालू किया हूँ, ओके। तो स्टार्ट करता हूँ। इसको पहले आके सिर्फ आपको लॉगिन करना है, इधर पासवर्ड वासवर्ड कुछ डालने की गरज नहीं है। तो इस पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए। जैसा आपका सीपीयू चालू होगा आपको वो इंटरफेस लाके छोड़ देगा। आपको इमेज पायलट आपको ऑन नहीं करना, कुछ नहीं करना है, मतलब आपको कुछ क्लिक करने की गरज नहीं है। इनकेस आपका समझो कि अगर ये नॉर्मली मिनिमाइज़ करते हो, फिर आप इसको डबल क्लिक करके इमेज पायलट को ऑन करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर पे अपना इमेज पायलट चालू है, ओके। तो कभी कभी बाय मिस्टेकली कोई कोई गलती ऐसा करता है, तो सब ध्यान दीजिएगा, बाकी और कुछ नहीं, नॉर्मल है वो सब, ओके। तो अभी आपको ये नॉर्मल इधर पे आपका स्टार्ट होता है, ये आपका रिसेप्शन मोड है। मीन्स आपका ये इधर पे नॉर्मल शो करेगा। तो अगर आपको पेशेंट की आईडी डालनी है, क्या डालनी है, कुछ भी डालना है, पेशेंट का डिटेल डालना है, तो आप इस न्यू एग्ज़ाम पे क्लिक करोगे, ओके। अगर आप इधर पे अगर क्रिएट आईडी, ये कंपनी का अपने आप दिया हुआ रहता है, क्रिएट आईडी पे करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली डेट के हिसाब से जो डेट रहेगा उस हिसाब से और एक सीरियल नंबर क्रिएट होगा, ओके। अदरवाइज़ आप खुद से भी टाइप कर सकते हो, ओके। जैसे मैं एक नॉर्मली ले लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने स्कैन किया है इस आईडी पे, ओके। इधर पे पेशेंट आईडी, फिर पेशेंट का नेम, से मैं अभी नाम दे देता हूँ, लाइकनेस, ओके, मेल फीमेल। इधर डॉक्टर का नाम, जैसे जैसा आप डॉक्टर का नाम डालते जाओगे वैसा वैसा ये लिस्ट तैयार होते जाएगा, ओके। अभी इधर स्टडी डिस्क्रिप्शन, जैसे जिसका चेस्ट है जो है वो है वगैरह वगैरह, तो इधर आप जैसे जैसे टाइप करते जाओगे वैसा वैसा आता जाएगा, ओके। तो अभी मैं चेस्ट लिख के इधर से परफॉर्म करता हूँ। ये आपका परफॉर्म करोगे, ऑलरेडी मेरा क्रिएट है तो होगा नहीं, फिर मैं अभी आपको सीधा इस पर लेके जाता हूँ, ऑलरेडी क्रिएट वाले आईडी पे, ओके। आपको डायरेक्टली यहाँ से परफॉर्म करना है। तो आप जैसे परफॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। जब आप स्कैन के लिए डालोगे, मैंने जैसे डेमो में आपको दिखाया ही है इससे पहले वाले वीडियोस में, कि आप कैशेट डालने के बाद स्कैन करोगे तो आपको इधर पे सीआर पे क्लिक करके कैशेट डालना है, स्कैन होगा, आपको इधर शो करेगा, ओके मेरा ऑलरेडी स्कैन हो चुका है। तो अभी स्कैन होने के बाद ये आपका इधर पे पूरा आपको इस तरह से शो करेगा। तो आप इधर से लेआउट ले सकते हो, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मोड, ठीक है। आपका स्कैन होने के बाद देखिए इधर पे सीआर पे क्लिक करोगे तो आपका इधर पे नीचे जो थंबनेल दिख रहा है, थंबनेल में आपका पूरा दिखेगा, ओके। देखिए जैसे इधर थंबनेल में ये दिख रहा है, मेरा ऑलरेडी स्कैन किया हुआ, ओके। तो ये स्कैन करने के बाद इस तरह से आपका आएगा, इधर पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, जो डॉक्टर का नाम है, अपना सेंटर का नाम वगैरह वगैरह, इस तरह से, ठीक है। तो अब नॉर्मली हमें लेआउट लेना है, नॉर्मल एडिट मोड आपको सीखा, मतलब नॉर्मल एडिट कैसे क्या कैसे करना है उतना बता रहा हूँ कि क्या क्या यूज़ होता है रेगुलर नॉर्मल एडिट में। तो अभी ये चेस्ट है, तो इस पर आप, उसे भी 100 ma के मशीन पे शूट किया हुआ है, ओके। तो इतना कुछ नहीं, मैंने सिर्फ डेमो के लिए किया था तो थोड़ा फार ऊपर नीचे रह गई, तो प्लीज़ डोंट माइंड। तो अभी आपको इधर से लेआउट लेना है, और लेआउट क्रिएट कैसे करते हैं वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी के अदर्स जो है सीरीज डालूंगा, आप वो देख लीजिएगा,
अभी ये आपका जैसा जैसा लेआउट है, अभी चेस्ट के लिए नॉर्मली लेआउट लगता है, इस हिसाब से ये लेआउट सिलेक्ट करता हो। ओके देखिए, इधर पे अपना सेंटर का नाम वगैरह, सेंटर का नाम आप इधर से इसको पकड़ के थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हो ऐसा। ठीक है, ये आपका आया। नॉर्मली अपने को स्कैन करने के बाद इस तरह से आएगा, तो अपने को इधर से एडजस्ट इमेज, ओके एडजस्ट इमेज पे सबसे बेस्ट ट्रिक है कि इसको 1:1 पे लेके आओ। 1 से 10 तलक है, ओके 1 से 10 तलक रहता है, तो आपके हिसाब से आप ये कर सकते हो। ठीक है, अब ये नॉर्मल हुआ। ठीक है, अब इधर से ये शार्पनेस, शार्पनेस है, आप एक एक ग्रोथ करके देखो। हर किसी डॉक्टर को अलग अलग तरीके का चाहिए रहता है, अलग अलग व्यू ऑफ एंगल रहता है, तो उधर जिधर आपका जैसा रहेगा वैसा आप कर सकते हो। जैसे डॉक्टर को जैसा चाहिए, आपका अलग एडिट तरीका रहेगा, तो उस हिसाब से आप कीजिए। ओके ये शार्पनेस है, आपको जितना शार्पनेस लगता है उस हिसाब से आप शार्पनेस लो। नॉर्मली समझो कि ये 10 तलक देखो इतना ही जाएगा। ओके तो आपका ये शार्पनेस आया। फिर ये लो डेंसिटी, लो डेंसिटी क्या है, बोन्स के लिए। अभी देखिए आप बोन्स देखिए कैसा दिखेगा, जैसा जैसा मैं इंक्रीज करते जाऊँगा वैसा वैसा बोन्स थोड़े क्लियर दिखेंगे। ओके सिर्फ 10 तलक ही जाता है, तो जिस हिसाब से जितना चाहिए उस हिसाब से आप कर सकते हो। फिर ये हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी आपके सॉफ्ट टिश्यूज दिखने के लिए। देखिए जो साइड्स के एंगल्स है दिख रहा है आपको, वो थोड़ा ग्रो हो रहा है, ग्लो हो रहा है। देखिए जैसा ऐसा आप करोगे वैसा ऐसा शो होगा, तो आपको जिस तरह से देखना है आपके डॉक्टर, आप मतलब जैसा आपको डालना है, जैसा डॉक्टर का एंगल रहेगा, व्यू ऑफ जिस तरह से देखेंगे उस हिसाब से आप एडिट कर सकते हो। ओके अब ये इसको एडिट करके, मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ, इतना कुछ मेरे को इतना अच्छे से आता नहीं है, तो ये ओके। ठीक है, अब विंडो लेवल से, विंडो लेवल से आपका कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा जो रहता है वो आप करके कर सकते हो। देखिए ऊपर से नीचे करोगे डार्क ब्लैक लाइट, देखिए ऊपर से नीचे डार्क होगा। ओके जितना आप पकड़ के क्लिक करके इतना नीचे तक खींचोगे उतना डार्क होता रहेगा, सा ऊपर नीचे आपको जैसा ठीक लगे। हर किसी को अलग अलग तरीके से एडिट रहता है, अब वैसा देखिए। बोन्स ज़्यादा दिख रहे हैं या जैसा रहेगा, जैसे इमेज पे आने के बाद वापस आप ध्यान से देखिए, आपको जैसा चाहिए वैसा शार्पनेस करके कर सकते हो। समझे कि अपना एडिट हो गया। ओके तो फिर इसको ओके करके ये ओके, फिर जूम, जूम पे इधर से माय टूल्स में से, मैंने टूल्स माय टूल में इधर से टूल ड्रैग किया हो तो आपको जैसा रहेगा, बाकी के टूल्स इधर से है। ओके ये टूल्स आप इधर से लोगे, फिर इधर से जूम करना है कितना रखना है उस हिसाब से। फिर राइट लेफ्ट के लिए इसमें है प्रीसेट मार्कर, प्रीसेट मार्कर से आप इधर से राइट ले सकते हो। इसमें एडिट के
नया कैसे डालना है वो भी आपको दिखा होगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ये आप इधर से राइट क्लिक कर राइट पे क्लिक करके ये मतलब आर पे सिलेक्ट करके क्लिक करके इधर पे ले सकते हो। ये आपका सेट हुआ, ओके सब हो गया। फिर प्रिंट देने के लिए आपको इधर से प्रिंट देना पड़ेगा। अभी मेरे इसमें प्रिंटर है नहीं, ऐड नहीं है, तो फिर नॉर्मली ये प्रिंटर मतलब फिल्म पे क्लिक करना पड़ेगा, ओके एक्सरे फिल्म के लिए। तो इधर से यस करके आप प्रिंट दोगे तो ये प्रिंट आ जाएगी। ओके सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इससे एडवांस लेवल वाले जो अभी नवे वर्जन आते हैं उसके लिए वीडियो बनाता हूँ, उसमें बताऊँगा बाकी का एडवांस वाले वर्जन में क्या है क्या नहीं करके। ओके सो थैंक यू।